तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये डिस्प्ले लाइट के ऊपर है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि हमारे पास जो मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जाता है और वो कैसे काम करती है या उसका सर्किट कैसे काम करता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये मैंने आपको डिस्प्ले लाइट का पूरा सर्किट बना रखा है, इसको मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहली बात क्या, मैं आपको डिस्प्ले लाइट के जलने का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि हमारे मोबाइल फोन में डिस्प्ले में जो लाइट होती है ना, जैसे आपका मोबाइल फोन है, आपने मोबाइल फोन में लिया, आपने बटन दबाया, इसमें रोशनी जल गई, तो भाई लाइट कहाँ से आती है, क्या कैसा कॉन्सेप्ट होता है, लाइट जलने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको वीडियो को देने वाला हूँ। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो लाइट सेक्शन के ऊपर टॉपिक होने वाला है। लाइट सेक्शन जो होते हैं मोबाइल फोन में, तीन तरीके के लाइट सेक्शन पाए जाते हैं। जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, चाहे कीपैड मोबाइल फोन हो, एंड्रॉयड मोबाइल फोन हो या और भी स्मार्ट मोबाइल फोन के अंदर जो अमोलेड डिस्प्ले लगी होती है, तो इस तरीके से मोबाइल फोन में तीन तरीके के लाइट सेक्शन बनते हैं। और तीनों तरीके के लाइट सेक्शन कैसे काम करते हैं, उनका तरीका क्या होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये हमारा लाइट सेक्शन के ऊपर, जो हमारा लाइट सेक्शन के ऊपर पहला पार्ट होने वाला है लाइट सेक्शन के ऊपर, ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट हम लोग सीखने वाले हैं, उसके बाद फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, इसी तरीके से हम लोग तीन तरीके के पार्ट को सीखेंगे जिससे हमारा लाइट सेक्शन का पूरा टॉपिक क्लियर होगा। इसके माध्यम से जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनके मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती है तो उसको रिपेयरिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपके मोबाइल फोन में लाइट सेक्शन काम करता है और लाइट सेक्शन का काम करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों मेरा नाम राघवन और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल, बेसिक, एडवांस, प्रैक्टिकली और चालू मोबाइल फोन जो भी बनने के लिए आते हैं, जो हमारे स्टूडेंट सीख जाते हैं तो मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं, तो उनका इस तरीके से रिपेयरिंग सिखाने का हमारा कॉन्सेप्ट है। आप चाहें तो आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग लेने से पहले वीडियो कॉल के माध्यम से आप क्लास चलते हुए देख सकते हैं कि कैसे क्लासेस चल रही हैं, कैसे बच्चे सीख रहे हैं, किस तरीके से स्टूडेंट सीख करके जा रहे हैं। चलिए हम लोग आगे अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब मोबाइल फोन में लाइट की प्रॉब्लम आती है उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, तो ये हम लोग सारा सब कुछ सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लाइट सेक्शन के ऊपर। अब पहली बार बात करते हैं कि लाइट सेक्शन काम कैसे करता है, लाइट सेक्शन को काम करने का सिस्टम क्या होता है और लाइट सेक्शन की जरूरत क्या है। आपके मोबाइल फोन में ये डिस्प्ले लगी होती है, डिस्प्ले को जलाने के लिए यहां पर बल्ब लगाए जाते हैं। ये बल्ब की जो क्वांटिटी होती है कम से कम 8, 10, 12, 15 बल्ब होते हैं। एक बल्ब जो होता है जिसका अगर देखा जाए तो मिनिमम 1.2 वोल्टेज या 1.2 वोल्टेज लेता है, उससे ज्यादा भी लेता है, मिनिमम 1.2 वोल्टेज लेता है। इसके अंदर 8 से 10 बल्ब लगे होते हैं। मैं कहता हूँ अगर 15 बल्ब लगे हैं तो अगर 12 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम आपका ये वोल्टेज निकलेगा, जा करके आपको 18 वोल्टेज निकलेगा। जब 18 वोल्टेज देंगे तब वो सारी लाइटें जलेंगी। ये जितने भी सारी लाइटें लगी होती हैं, सारी लाइटें तुम्हारे सीरीज पोजीशन में लगी होती हैं, ऐसे यहां से एक सप्लाई निकलती है, दूसरी सप्लाई यहां से निकलती है, एक इसमें ए लिखा होता है, एक में के लिखा होता है। ए का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और के का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। अगर आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलाना चाहते हो तो डिस्प्ले में लाइट जलाने का मतलब क्या होता है, आपको यहां से कम जो है वो 14 से लेकर के 24 वोल्टेज जनरेट करके दोगे तभी आपके लाइट जलेगी। 14 से 24 वोल्ट जनरेट करने के लिए हमारे मोबाइल फोन में 14 से 24 वोल्टेज तो होता नहीं, वोल्टेज तो वही होता है अपना 3.7 बैटरी के अंदर। ये 3.7 वोल्टेज के लिए बीच में कंपनी एक लगाती है, लाइट सर्किट डिजाइन करती है। ये लाइट सर्किट क्या काम करता है, जो 3.7 वोल्टेज होता है 3.7 वोल्टेज को 14 से लेकर के 24 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है और आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में बल्ब जलने लगता है और लाइट जलना चालू हो जाती है। इस तरीके से आपके मोबाइल फोन में लाइट के लिए ऐसे सर्किट बना होता है, लाइट के लिए सर्किट डिजाइन होता है, ऐसे सर्किट आपका काम करता है। ये तो मैंने सर्किट को काम करने का मैंने प्रिंसिपल समझाया कि लाइट को काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है।
अब हम लोग बात समझने वाले कि सर्किट हमारा काम कैसे करता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने पूरा लाइट सर्किट के ऊपर मैंने आपको डिजाइन कर रखा है कि कैसे आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलती है, ये कैसे डिस्प्ले लाइट की समस्या को हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना सीखते हैं या उसको चेक करना सीखते हैं, तो ये दोस्तों हम लोग समझने वाले। सबसे पहली बात क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन लाइट को जलाने के लिए कंपनी क्या यूज करती है, लाइट को जलाने के लिए बैटरी कनेक्टर से सप्लाई जाती है और बैटरी कनेक्टर से ये सप्लाई यहाँ से होते हुए ये आपकी सप्लाई कॉइल तक पहुँचती है, कॉइल से सप्लाई बूस्ट होकर के सप्लाई पिन नंबर 1 पर पहुँचती है। ये आपके पिन डॉट लगा होता है, डॉट से पता चलता है पिन नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। इस तरीके से ये सप्लाई आपकी लाइट आईसी पे पहुंचती है। लाइट आईसी क्या काम करती है, इस सप्लाई को लेती है, इस सप्लाई को लेने के बाद बूस्ट अप करती है। ये लाइट आईसी जो लगी होती है तुम्हारी 6 पिन की लाइट आईसी पाई जाती है। 6 पिन के अलावा मोबाइल फोन में कई बार ऐसा होता है कि जो रेडमी के मोबाइल फोन आते हैं उसमें आईसी बॉल वाली भी टाइप की होती है, मतलब छोटी सी ऐसी होती है, उसमें इस तरीके से बॉल्स लगी होती हैं, बॉल वाली होती है, मतलब पिन वाली ना कहकर कंपनी ने बॉल वाली को डिजाइन कर दिया गया है। दूसरी बात क्या, एंड्रॉयड मोबाइल फोन में ऐसा भी सिस्टम हो जाता है कि यहाँ पर जो सप्लाई बैटरी कनेक्टर से जो वी बैट की सप्लाई आ रही है, ये वी बैट की सप्लाई ना आ करके कई बार ऐसा होता है कि वीपीएच की सप्लाई भी आती है, तब आपके मोबाइल फोन में लाइट आईसी काम करती है। तो मैं पहले पार्ट को आपको क्लियर करता हूँ, बाकी मैं वीपीएच के बारे में मैं आपको आगे दूसरे पार्ट में क्लियर करूंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो ये सप्लाई जब हमारी कॉइल के माध्यम से इस पिन पे आती है तो ये सप्लाई हमारी यहाँ पर बूस्ट अप होती है, उसके लिए यहाँ पर एक बूस्ट डायोड लगाया जाता है। ये सप्लाई जो यहाँ पर आती है 3.7 वोल्टेज सप्लाई होती है। लाइट आईसी क्या काम करती है, उस सप्लाई को इंक्रीज कर देती है, 14 से लेकर के 24 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है, और ये सप्लाई यहाँ से निकलने के बाद 14 से 24 वोल्ट सप्लाई आपकी निकलती है, ये आपके LCD जैक पर चली जाती है, तब आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलती है। उसके बाद क्या होता है, पावर आईसी के माध्यम से पिन नंबर 4 पर एक हमारी इनेबल सिग्नल भी आता है। ये इनेबल सिग्नल को आप कंट्रोलिंग सर्किट भी कह सकते हो, कंट्रोलिंग सिग्नल भी कह सकते हो। ये पावर आईसी इसको ये इंडिकेट करती है कि तुमको कितना वोल्टेज जनरेट करना है, कितना वोल्टेज बढ़ाना है। जैसे आप मोबाइल फोन के अंदर जो ब्राइटनेस होती है ना, ये अगर ब्राइटनेस की बात करेंगे कि जैसे ये ब्राइटनेस को कम करते हो ज्यादा करते हो, जो कम ज्यादा की जहां पर कंट्रोलिंग होती है तो ये आपका इनेबल सिग्नल आता है। तो ये इनेबल सिग्नल क्या काम करता है, जो लाइट आईसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। लाइट आईसी को ये करता है कि कितना वोल्टेज तुमको इंक्रीज करके देना है, तब ये 14 से 24 वोल्टेज यहाँ पर जनरेट होता है, तब आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलती है। अब मोबाइल फोन में यदि यही प्रॉब्लम आती है कि आपके डिस्प्ले में लाइट नहीं जलती, तो लाइट न जलने के सबसे 3 कारण मेन होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि आपको ये देखना होता है कि आपको बूस्ट कॉइल के माध्यम से इस पिन पर मतलब लाइट आईसी तक 3.7 वोल्टेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बूस्ट कॉइल टूट जाती है या बूस्ट कॉइल में पानी चला जाता है या वाटर डैमेज होने की वजह से ये कॉइल खराब हो जाती है या कॉइल ब्रेक हो जाती है, तो भी आप इस कॉइल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इस कॉइल पर आप जंपर नहीं मारेंगे। अच्छा, बूस्ट कॉइल जो होती है आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में से किसी भी लाइट सर्किट से इस कॉइल को उतार करके लगा सकते हैं, क्योंकि बूस्ट अप कॉइल लगाने का मतलब क्या होता है, ये लाइट आईसी पहली बार तो क्या होता है, वोल्टेज कैसे जनरेट करती है मैं आपको समझाता हूँ। लाइट आईसी के अंदर क्या होता है, 3 बैक टू बैक ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, वो ट्रांजिस्टर क्या काम करते हैं, वोल्टेज को हमारे जनरेट करते हैं। अगर ऐसा देखा जाए, जैसे 6 पिन का लाइट आईसी लगा हुआ है, आज से अगर पहले प्रेजेंट टाइम पर अगर आप जाते हैं, जैसे नोकिया 2600 थे या 1100 मोबाइल फोन थे, उन मोबाइल फोन के अंदर लाइट आईसियां ना लगा करके कंपनी 3 बैक टू बैक ट्रांजिस्टर लगाती थी, उन ट्रांजिस्टरों को आज उसी लाइट आईसी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो क्या काम करते हैं कि जो 3.7 वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज करने के बाद ये फिर वोल्टेज तुम्हारा पहुंचता है पिन नंबर 5 पर। उसके बाद यहाँ पर एक डायोड लगा जाता है जिसको हम लोग बूस्ट अप डायोड भी कहते हैं। कई बार ऐसा आपने कॉइल चेक कर लिया, कॉइल आपका सही है या कॉइल आपने चेंज कर दिया फिर भी लाइट नहीं जलता, तो उस कंडीशन पर ऐसा भी होता है कि ये हमारा डायोड भी खराब हो जाता है, डायोड बर्न हो जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है, तो इस डायोड को भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये भी लाइट सेक्शन का डायोड होता है जो इस पर नंबर लिखा होता है, किसी दूसरे हैंडसेट से या किसी दूसरे मोबाइल फोन से डायोड को निकाल करके यहाँ पर डायोड को लगा देंगे और आपके मोबाइल फोन में डायोड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने डायोड को चेंज कर दिया, डायोड चेंज करने के बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम सेम है, फिर भी आपका काम नहीं करता, आपने कॉइल को भी चेंज कर दिया, डायोड को चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम सेम है, तो आप लाइट आईसी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे लाइट आईसी को चेंज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर जो लाइट आईसी क्या काम करती है, जो वोल्टेज को, ये भी आपको देखना है
ये जो आउटपुट वोल्टेज होता है ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज डिस्प्ले के एनोड के पॉइंट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, जो आपकी एलसीडी लगी है डिस्प्ले लगा हुआ है उस डिस्प्ले के एनोड के पॉइंट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर एनोड के पॉइंट तक प्रॉपर वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तब भी आपको लाइट नहीं जलेगी, तो आपको क्या कर देना है इसके इनपुट का और इसके आउटपुट का दोनों को बैक ट्रेस कर लेना है, ताकि आप ट्रेस करने के बाद आप ये चेक कर सकें कि जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है ये पॉजिटिव वोल्टेज तुम्हारा एनोड के पॉइंट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर वोल्टेज आता है उसके बावजूद भी लाइट नहीं जलता, उस कंडीशन पर अगर आप देखेंगे दूसरा डिस्प्ले लगा करके देखेंगे तो उसमें लाइट जलता है लेकिन अपने पुरानी वाली डिस्प्ले में लाइट नहीं जलता। उसमें ऐसा भी सिस्टम हो जाता है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो एलईडी बल्ब लगे होते हैं अगर इनमें से कोई एक बल्ब खराब हो जाता है, तो कोई एक बल्ब खराब होने से आपके मोबाइल फोन में क्या हो जाता है सीरीज ब्रेक हो जाता है। जब सीरीज ब्रेक हो जाता है तो सीरीज ब्रेक होने से क्या होता है जितनी भी सारी लाइटें होती हैं सारी लाइटें हमारी बंद हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं एक एक करके सारे बल्ब को चेक करते हैं, पीछे डिस्प्ले का लाइट सर्किट खोलते हैं, अगर नया डिस्प्ले लगाने के बाद लाइट जल रहा है लेकिन अपनी वाली जो पुरानी डिस्प्ले है उसमें लाइट नहीं जल रहा है, तो फिर आप इसके एक एक करके सारे बल्ब जो सर्किट होते हैं बल्ब सर्किट को खोलते हैं। बल्ब सर्किट को खोलने के बाद एक एक करके सारे बल्ब को चेक करते हैं, जब आप प्लस को प्लस पे रखोगे माइनस को माइनस पे रखोगे तो ही बल्ब जलेगा, अगर उल्टा रखोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। एक एक करके सारे एलईडी बल्ब को चेक कर लेंगे, अगर जो बल्ब खराब होता है उस बल्ब को या तो किसी दूसरे एलसीडी से खराब डिस्प्ले से आप निकाल करके चेंज भी कर सकते हैं, या नहीं चेंज करना चाहते तो उस पर आप इस तरीके से जंपर मार देंगे। जैसे जंपर मार देंगे तो आपका सीरीज क्या हो जाएगा ओके हो जाएगा, जब सीरीज ओके हो जाएगा तो बाकी डिस्प्ले की सारी लाइटें जल जाएंगी और आपके मोबाइल फोन में रोशनी आना चालू हो जाएगी। लेकिन हालांकि इसमें ऐसा होता है कि एक जगह पर लाइट थोड़ा सा डिम हो जाता है, इससे बेहतर अगर आप लाइट चेंज कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये खोलने से पहले आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में डिस्प्ले को लगा करके देख लेंगे, अगर उसमें जल रहा है तभी इसमें कारस्तानी करेंगे तभी इसमें चेक करेंगे, अगर नहीं जल रहा है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो भी मोबाइल फोन आते हैं वो सारे मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती है, तो डिस्प्ले लाइट के सर्किट को मैंने आपको थोड़ा सा इंडिकेट करके समझाया है ताकि लाइट की प्रॉब्लम को आप आसानी के साथ में क्या कर सकें, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकें चेक कर सकें किस तरीके से आपके मोबाइल फोन आएगा और मोबाइल फोन में लाइट की प्रॉब्लम को चेक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कि आज मैंने आपको लाइट सेक्शन के बारे में आपको डिस्क्राइब किया हुआ कि कैसे डिस्प्ले लाइट का काम करता है, ये लाइट का अपना पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने लाइट सेक्शन के बारे में कवर किया है, आप वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो के बारे में पूरा अच्छे से क्लियरिटी समझें। अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो फिर आप कॉल कर सकते हैं, और कोई परेशानी आती है कोई चीज़ समझ में नहीं आता कोई पूछना है कोई जानकारी चाहिए तो भी आप इस नंबर पर नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये जो आपको मैंने वीडियो मैंने आपको दिया है इस वीडियो से संबंधित और भी बहुत सारा वीडियो है जो इसके चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वो वही सारा वीडियो को देखें जिससे आपको बहुत अच्छा सीखने मिलेगा बहुत अच्छा अपडेट मिलेगा। ये दोस्तों मैं वीडियो आपको इसीलिए बना करके देता हूँ ताकि वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को सीख सकें और अच्छे से समझ सकें और एक एक करके उनको हेल्प मिल सके। दोस्तों जो सारा वीडियो आप लोग देख रहे हो सीख रहे हो उसका प्रॉपर सर्किट बनाओ प्रॉपर उसको नोट करो एक एक करके सारी चीज़ों को समझो, अगर कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हो। और अगर इसी तरीके से अगर आप पूरी इस तरीके से पूरा कंप्लीट अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर ए से लेकर जेड तक पूरा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग आप लेकर के जा सकते हैं, जिसमें से पूरा हार्डवेयर होता है पूरा सॉफ्टवेयर होता है बोर्नियो सिमेटिक है या सॉफ्टवेयर्स हैं या MMC का प्रोग्रामिंग है इससे लेकर जेड तक हम सभी चीज़ों के बारे में पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।